Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum dear students, this is Mahashakil and I am back again with another lecture that is related to chapter number 12, ECAT and MCAT. अच्छा चैप्टर 12 में इतना कोई ख़ास मैं इस लिहाज से कहूँगा ईकेट के हवाले से कि इतने कोई ख़ास टॉपिक्स हैं नहीं जिससे ईकेट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ अगर वही आप डिटेल से पढ़ लेंगे और एनएडी के पास पेपर्स या फिर आईबीए के पेपर्स आप सॉल्व कर लोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन ईकेट। अच्छा पहली चीज़ हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अच्छा जो चार्जेस होती है वो एक्चुअली क्या होती है कि जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैदा करती है, सही है, अपने इर्द गिर्द में, ठीक है। तो जो चार्ज होता है जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब सेम चार्जेस जो है रिपेल कर रहे होते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या आप जो है बचपन से क्लास 3-4 से आप यही पढ़ते आ रहे हो कि पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट रिपेल इधर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इधर, क्या कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा कूलम्स लॉ की अगर बात करते हैं, कूलम्स लॉ कहता है कि अगर कोई लेट सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, अगर वो किसी डिस्टेंस से किसी डी डिस्टेंस पे या फिर आर डिस्टेंस पे है तो उस वक्त जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये इस पे और ये इस पे वो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे पे, जो फोर्स लग रहा होता लगता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अगर हम K को खोल देंगे तो K का जो फॉर्मूला होता है 1/4π ε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। जैसे एक न्यूमेरिकल जो है वो ईकेट आपके एनएडी के पास पेपर में आया हुआ है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक को मैं Q कह देता हूँ, एक को मैं Q- कह देता हूँ, एक मैं Q1 कह देता हूँ और Q2 कह देता हूँ, ठीक है। वो किसी किसी की डिस्टेंस पे होगा, इसको मैं R1 कह देता हूँ, ठीक है। अब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी तो ये जो फोर्स यहाँ लग रही है एक दूसरे पे इसको मैं F कह देता हूँ, कुछ भी लग रही है, लेट सपोज कुछ भी लग रही है, मैं इस बात नहीं कर रहा। अब हुआ क्या, अब मैंने रेडियस बढ़ा दिया मतलब मैंने चार्जेस को थोड़ा सा दूर कर दिया, अब रेडियस क्या हो गया R2 हो गया, इसको मैं F1 कह देता हूँ, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो F2 लग रही होगी। तो अक्सर वो पूछते हैं कि आपको चार्जेस दे देते हैं कि भाई Q1 आपको बोलते हैं भाई पहले जो आपके पास दो चार्जेस थे उनके दरमियान में जो फोर्स था वो इतना था, लेट सपोज मैं F1 कह देता हूँ, लेट सपोज 2 न्यूटन था और जो रेडियस था वो पहले 10 मीटर था, सही है। अब लेट सपोज रेडियस जो है वो 15 मीटर हो गया और पूछ रहा भाई कि F2 कितना है, सही है, मतलब आपको पहले का फोर्स दे के पहले का रेडियस दे के दूसरे का रेडियस दे के दूसरे का फोर्स पूछा है। तो याद रखें हमेशा जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है F1/F2 R2/R1। सिमिलरली अब ये फॉर्मूले आप याद रखें, इस फॉर्मूले से जो है वो फोर्स निकल सकती है। अब एक तो नमें के लिए देखा गया, एक और MCQ देखा गया जिसमें उन्होंने आपको दो चार्जेस दिए Q1 Q2, सही है। लेट सपोज ये आपका दे दिया 2 कूलम, ये आपको दे दिया -2 कूलम, ठीक है। और अब क्या हुआ, आप इसको इसका फोर्स दे दिया आपको कि भाई एक दूसरे पे वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 4 न्यूटन, इसको मैं ये कहता हूँ, सही है, 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई कि अगर मैं 4 कूलम दोनों को दे दूं मजीद, सही है, मतलब 4 कूलम अगर मैं इसको भी दे दूं और 4 कूलम मैं इसको भी दे दूं तो उस वक्त जो फोर्स क्या होगी, जैसे मैंने 4 कूलम इसको दिया तो इसका जो कूलम हो गया वो कितना हो गया 4+2 6 कूलम, इसका कितना हो गया 6 कूलम, तो इस वक्त जो है वो फोर्स कितनी है। तो सिंपली क्या करो, जो भी अच्छा पॉजिटिव चार्ज शुड बी मैंशनड, सही है, पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या हुआ, जब मैंने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया और इसको दिया तो ये हो गया +C6 और +C6, उस पर जो फोर्स क्या आ गई, देखो पहले फोर्स क्या आई हुई थी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आया हुआ था, सही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब Q1 × Q2 सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई होगा
6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ गया 36 न्यूटन। अब 36 न्यूटन आ तो गया, अब मैं इसको रिपल्सिव फोर्स कहूँ या फिर इसको मैं अट्रैक्टिव फोर्स कहूँ? तो याद रखें जो कूलम चार्ज आया था वो दोनों प्लस था, तो प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इट विल बी रिपल्सिव फोर्स। नाउ द अनदर टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्लियर हो कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कि कभी भी ये दो चार्जेस आपस में रखे हुए होंगे या अकेला चार्जेस भी होगा तो वो कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशन, आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मास कोई बॉडी रखी हुई है तो वो कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करती है किसी बॉडी पर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो EQ होती है फॉर वन चार्ज। अगर कोई एक चार्ज है तो उस वक्त जो बॉडी होगी वो ग्रेविटेशनल, अच्छा वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि चार्ज का कोई ना कोई मास भी होता है, सही है, थोड़ी चार्ज है तो खाली इसकी चार्ज ही होगा, ऐसा नहीं है, उसको कोई ना कोई मास भी होता है। तो जब मास है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो कहता है भाई कहीं भी यार मास मौजूद है और दोनों मास आपस में मौजूद हैं तो कोई ना कोई फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं, दैट फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। दैट्स व्हाई हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, सही है। तो जो आपकी एक बॉडी अगर एक चार्ज हो तो उस वक्त जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो होती है mg, वन चार्ज। अगर दो चार्ज होगा तो उस वक्त जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो हम पढ़ चुके हैं कि FQ1Q2/r² और जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो क्या होगी, ये होगी G m1 m2/r², सही है। इसी तरह हमें चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों का लिंक क्या है। तो हमने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन को का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया और ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया। तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10^39 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स के। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने किस पे, प्रोटॉन प्रोटॉन पे, वही आपके पास रिजल्ट आया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से 10^36 टाइम ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग MCQs है, इसको हम पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का लिंक क्या है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है, जैसे ये भी MCQs पूछ सकता है और ये भी MCQs आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ∇ϕ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, सही है, एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब है जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और जब भी कॉस थीटा का आपके पास कोई भी रिलेशन हो तो वो ज़ीरो पे क्या देता है, मैक्सिमम देता है, और 90 पे क्या देता है, मिनिमम देता है। ठीक है, तो ये MCQs पूछ सकता है भाई कि किस एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। तो कीप इन माइंड कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो पे मैक्सिमम होता है और 90 पे मिनिमम होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर स्मूथ सरफेस हो या कोई प्लेन हो, याद रखिएगा कोई स्मूथ सरफेस हो या कोई प्लेन हो, उस वक्त जो एरिया होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक सरफेस है, मैं पूछूं भाई इस सरफेस पे एरिया क्या होगा, तो एरिया हमेशा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कि याद रखिएगा कि इस तरह कुछ आपके पास MCQs आ सकते हैं कि भाई अगर XY प्लेन होगा या YZ प्लेन होगा या XZ प्लेन होगा, ये तीन प्लेन्स होते हैं, तो इन प्लेन्स पे एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। जाहिर सी बात है, जब XY प्लेन पे होगा तो XY प्लेन पे जब होगा तो उस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है Z प्लेन होगा, Z एक्सिस। इसका मतलब है Z एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया।
सिमिलरली ऑफ वाई जेड प्लेन होगा तो एक्स प्लेन एक्स एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया. सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन होगा तो वाई एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया. तो याद रखें कभी भी आपसे किसी भी प्लेन के ऊपर डायरेक्शन मांगे किसकी किसी डायरेक्शन मांगे आपका क्या कहते हैं एरिया की डायरेक्शन मांगे तो उस सिनेरियो में बेटा जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो तीसरे एक्सिस पे होती है. जिस प्लेन पे होगा उससे थर्ड एक्सिस पे होती है. ये बात कर रहा हूँ मैं किसी प्लेन की या स्मूथ सरफेस की, मतलब ऐसा सरफेस हो जो कि रफ ना हो कर्व ना हो स्मूथ सरफेस हो. तो स्मूथ सरफेस पे जो एरिया होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. ये अक्सर एमसीक्यू से पूछा गया है कि भाई अगर कोई स्मूथ सरफेस है या कोई प्लेन है या कोई कोई पेज है या कोई दीवार है उस पर जो एरिया होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है. तो इट शुड बी दैट परपेंडिकुलर ऑफ दैट सरफेस. नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ गॉसेस लॉ. अच्छा गॉसेस लॉ क्या क्या कहता है कि अगर कोई भी चार्ज डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं सही है तो जो डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं तो जो आपका फ्लक्स होता है वो 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज होता है. मतलब लेट सपोज मेरे पास कोई चार्ज है और Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन मेरे पास चार्ज जो है वो Qn है सही है बस Qn चार्जेस है ठीक है. तो वो क्या कहता है कि जितने चार्जेस हों अगर तुम इसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो द रिजल्ट आंसर विल बी फ्लक्स. तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/ε0 ऑफ Qn. अच्छा फ्लक्स की गॉसेस लॉ के आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन होती है. अच्छा एप्लीकेशन मतलब होता है कि भाई कि गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन मतलब होता है कि फ्लक्स के ज़रिए आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं ठीक है. तो आपके पास पहली जो बात करते हैं एप्लीकेशन की वो क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट. समझी गई चीज़ें. इस सिनेरियो में जो E का फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है Q/2. अच्छा ये क्यों नहीं होता एक्चुअली यहाँ पे सिग्मा आता है σ/2ε0 और एक्चुअली यहाँ पे दिस इज सिग्मा. इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q/A भी होता है मतलब चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सही है. ये हमने बात कर ली कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट चार्ज शीट नॉट प्लेट चार्ज शीट सही है. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज प्लेट सही है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज प्लेट कि भाई दो चार्ज प्लेट अगर हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है. लेट सपोज आपके पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी. चूँकि ये चार्ज प्लेट है हमने जो चार्ज शीट थी चार्ज शीट एक्चुअली कुछ इस तरह की होती है. समझी गई चीज़ों को. चार्ज शीट इस तरह की होती है अंदर चार्ज प्लेट लगा होता है चार्ज लगे होते हैं. इसको हम फोल्ड करते हैं एक्चुअली रोल करते हैं. जब हम उसको रोल करते हैं तो इसका सिलेंड्रिकल शेप आ जाता है तो ये एक्चुअली प्लेट ही बन जाता है. तो जो चार्ज प्लेट हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसकी अलग अलग की वो क्या होगी इसकी जो होगी वो वही सेम होगी. क्या थी σ/2ε0 इसकी भी क्या होगी σ/2ε0. जब हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे मतलब σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 तो ये क्या हो जाएगा 2σ/2ε0. तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये E आ गया क्या σ/ε0. ये वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो दो चार्ज प्लेट के बीच में है सही है. तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज शीट है उस वक्त जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो ये होगी सही है. और अगर कोई दो चार्ज प्लेट से उस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी ये होगी. अच्छा जी नाउ आवर लास्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैपेसिटर. कैपेसिटर से एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं. कैपेसिटर एक्चुअली एक डिवाइस होती है दैट इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी. वो हमने एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होती है ठीक है. तो जो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के सही है. जब हटे साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज सी. तो फॉर्मूला क्या बनता है Q = CV सही है. अब हम बात करते हैं सीरीज कैपेसिटर की और पैरेलल कैपेसिटर की. सीरीज या फिर पैरेलल. तो सीरीज कैपेसिटर मतलब होता है कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं लाइक दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर.
और कोई भी बैटरी से कनेक्टेड है, C1, C2, C3, उस वक्त जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकलता है पैरेलल का, तो उल्टा हिसाब है, सीरीज का उल्टा हिसाब है। रेजिस्टेंस में हम ऐड करके निकालते थे, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ठीक है, अगर पैरेलल की बात करें, जो पैरेलल में आपकी इक्विवेलेंसी आती है वो तीनों को ऐड करके आती है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। अच्छा, कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास दो प्लेट्स लगी हुई होती हैं, और वो चार्ज प्लेट्स होती हैं, सही है, और वो किसी बैटरी से कनेक्ट होती है। तो ये प्लेट कोई ना कोई डिस्टेंस से अपार्ट होंगे, लेट सपोज डी डिस्टेंस से अपार्ट है, प्लेट का कोई ना कोई एरिया होगा, इसका कोई ना कोई वोल्टेज होगा। अच्छा, आपके पास इसमें दो केसेस आते हैं। पहले केस में क्या होता है, दो तरह के कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में कुछ भी नहीं होता, खाली एयर मौजूद होती है, खाली हवा मौजूद होती है, एक केस ही हो गया। और सेकंड केस में जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान वो एक डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं। अगर ऐसा हो कि भाई ये जो आपके पास कैपेसिटर है इसमें आपके प्लेट्स के बीच में खाली एयर मौजूद है, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A0 / D। सही है, A0 को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर ऐसा केस हो कि अगर हम कोई भी आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हम कोई ना कोई डायलैक्ट्रिक लगा दें, डायलैक्ट्रिक एक सब्सटेंस होता है, कुछ भी कह सकते हो आप, एलिमेंट सब्सटेंस जो भी होता है, तो उसका कोई ना कोई चार्ज होता है अपना, उस वक्त इक्विवेलेंट उस वक्त जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है A0 / D। A0 इज द रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब जो इसकी परमिटिविटी थी और जो एयर की परमिटिविटी थी उसको कंपेयर करके हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाल दिया कि भाई कि वो किस तरह जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो Epsilon/Epsilon0 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो जो डायलेक्ट्रिक हमने यूज़ किया है और जो एयर का परमिटिविटी है उसका रिलेटिव होती है। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा Epsilon/R/Epsilon0। तो जब भी हमने ई की जगह पे जो Epsilon0 था वो अब ई बन गया था, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो Epsilon0 × Epsilon R। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर एमसीक्यू पूछते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली पूछना होता है एरिया के, और इन्वर्सली पूछना होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के, मतलब डिस्टेंस जितना वो फार अपार्ट होता जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, और जितना ही प्लेट का एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एमसीक्यूज में काफ़ी पूछते हैं भाई कि डायरेक्ट्रिक कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, अक्सर पूछते हैं कि तो डायलेक्ट्रिक कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बना दी डायलेक्ट्रिक की फ्रॉम डिक्रीजिंग, मतलब सबसे अच्छा फिर कम। तो याद रखें कॉम्पा एक वर्ड याद रखें, कॉम्पा याद रखें, सी फॉर सेरेमिक्स, ओ फॉर ऑयल, एम फॉर मिका, P फॉर पेपर, एंड लास्ट वन इज एयर। तो एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो जब परमिटिविटी सबसे कम होगी तो वैसी बात है कैपेसिटेंस भी सबसे कम होगा। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा कैपेसिटर चाहिए तो यू हैव टू यूज़ सिरेमिक एज अ डायलैक्ट्रिक, ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव होता है ये थोड़ा सा, तो हम जो है वो एयर पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एयर भी और इतना कोई फ़ायदा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कॉम्पस है कि सी फॉर सिरेमिक्स, ओ फॉर ऑयल, एम फॉर मेका, पी फॉर पेपर, एंड ए फॉर एयर। इन दी एंड ऑफ लेक्चर मैं थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कि आपके पास अगर कोई भी सिलेंड्रिकल चार्ज प्लेट है तो इसको हम तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा बन ये बन गया, इसको वन कहूँगा मैं, इसको टू कहूँगा, इसको थ्री कहूँगा। तो याद रखें कोई भी अगर कर्व सरफेस है, कर्व
सरफेस पे हमेशा जो फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब ये सिलेंडर कर्व है, राउंड शेप होता है, तो इस एरिया में जो कर्व होगा, जो आपके फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो एंड होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, एंड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, उस वक्त जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, फ्लक्स इज मैक्सिमम, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 टेंस टू पावर माइनस 12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम परमिटिविटी ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में याद रखें कि अगर कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, कोई भी अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो जो उसकी कैपेसिटेंस होती है वो उसके रेडियस के डायरेक्टली पोजिशन होती है। स्फेरिकल मतलब गोल होगा, तो गोल अगर होगा तो जो रेडियस होगा, जितना रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। अच्छा, अगर हम एनर्जी की बात कर लें तो जो कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली पोजिशन होती है एनर्जी के, मतलब जितना कैपेसिटेंस होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो इसका जो लिंक बनता है वो बनता है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। लेट सपोज आपके पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जिसमें पहली कैपेसिटेंस की एनर्जी गिवन हो, सही है, सेकंड कैपेसिटेंस गिवन हो, उसकी एनर्जी गिवन ना हो, तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो निकाल सकते हो एनर्जी या कैपेसिटेंस कुछ भी। तो रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड एनर्जी, मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरा लेक्चर था वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप पास पेपर से प्रैक्टिस करें इसकी, और IBA की बुक को अगर आप लग रहा है कि भाई ये लेक्चर से मेरी कंप्लीट तैयारी नहीं हो रही, तो आप जो है वो IBA की बुक या अनिल सेन की बुक, जो भी बड़े कोचिंग की बुक है वो आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो भी क्यूरीज होंगे मुझसे आप वो लाइव सेशन में पूछ सकते हो या मुझसे आप पर्सनल भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए दिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।